नीति आयोग जब किसी राज्य के लिए योजना बनाएगा, उसको जब पैसा जाएगा, तो ये भी तो पूछा जाएगा ना कि पैसा खर्च कैसे हुआ। पश्चिम बंगाल पैसे का हिसाब देने से साफ साफ मना कर रहा है, और आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार के पैसों का भयानक दुरुपयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अपने जो मुख्यमंत्री अपने राज्य का ध्यान करेगा, वो निश्चित रूप से नीति आयोग के साथ बैठेगा। नीति आयोग को कुछ लोग मोदी जी का आयोग समझ लेते हैं। मोदी जी को इस देश के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, और ऐसी स्थिति में 48 लाख करोड़ का बजट आया है। केवल 26 हजार करोड़ बिहार को मिल गया और 15 हजार करोड़ मिल गया आंध्रा को। उसी में इन लोगों का हेड गरम है। ये नहीं हिसाब किताब कर रहे हैं कि 41 लाख लगभग 60 हजार करोड़, उतना पैसा वो किस किस राज्य में जा रहा है? क्या 4 करोड़ इम्प्लॉयज़ को सीधे इस बजट में 17.5 हजार का फायदा हुआ है? क्या बंगाल में इम्प्लॉय नहीं है? क्या 1 करोड़ बच्चे जो इसी बजट के तहत इंटर्नशिप पाएंगे, वो अच्छी रोज़गार की तरफ जाएंगे? क्या वो बंगाल के बच्चे नहीं होंगे? क्या वो महाराष्ट्र के बच्चे नहीं होंगे? हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के लिए भी रिकंस्ट्रक्शन का बजट दिया है, वहाँ जो भी आपदा आई है। तो अब आपको मोदी जी का चेहरा ही ठीक नहीं लग रहा है, आपको विरोध करना है तो करिए। देश में बहुत लोगों को मोदी जी का चेहरा अच्छा लग रहा है, और मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। मेरा मानना है, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से इस देश का एक नियम है कि हर राज्य को नीति आयोग में बैठ के अपनी योजनाओं को देना चाहिए, और जो बजट पास है उसका उपयोग करना चाहिए। ये लोग विरोध की राजनीति में सारे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा? योजनाएं तो बनती रहीं, जब तक नीति नहीं बनेगी तब तक योजना कार्यान्वित कैसे हो सकती है? आप देख लीजिए, 10 साल में इस देश की सड़कें देखिए, क्या सड़कें पश्चिम बंगाल की नहीं बनी हैं? आप धनबाद आसनसोल होते हुए जीटी रोड कल जाते थे, आज जाइए आप हावड़ा तक, आप देखिए उसकी कैसी 8 लेन रोड काम कर रही है। इसलिए ये लोग राजनीतिक विरोध के कारण सिर्फ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अग्निवीर योजना, जो भी बच्चा भर्ती होगा 4 साल बाद उसको क्या क्या काम मिलते हैं ये डिसाइड होगा। ये लोग अग्निवीर को बदनाम करने में लगे, अभी 4 साल क्या, अभी 3 साल भी नहीं हुआ, तो जो 4 साल बिना पूरा हुए बदनाम कर रहा है उसकी नीयत को आप समझ सकते हैं। जब 4 साल बाद अग्निवीर का कोई बच्चा कहीं बैठा आपको मिलेगा, तब आप सवाल उठाएंगे। एक बच्चा भी अग्निवीर का घर नहीं बैठने वाला है। और ये वो ट्रेनिंग है जो आज की नई चुनौतियों का, चाहे युद्ध की चुनौतियां हों, हथियारों को चलाने की चुनौतियां हों, युद्ध लड़ने की चुनौतियां हों, एनएसजी कमांडो से भी अच्छे अच्छे अग्निवीर के सैनिक तैयार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जबकि राज्य कहने शुरू कर दिए हैं कि हमको भी ऐसे ही अग्निवीर के सैनिक चाहिए, पुलिस के लिए अर्धसैनिक बल के लोग कह रहे हैं हमको चाहिए ऐसे ही ट्रेंड सैनिक अपने अर्धसैनिक बलों के लिए, सीआरपीएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, तमाम जो अर्धसैनिक आईटीबीपी के लिए। तो ऐसे में जहां इस देश में इतने ट्रेंड सैनिक तैयार हो रहे हैं, उसका विरोध कौन करेगा? वही करेगा जो सेना को कमजोर देखना चाहता है। इसके पहले भी तो सेना बुलेट प्रूफ मांगती थी, क्या ये विरोध करने वाले उनको बुलेट प्रूफ देते थे? नहीं। क्या उनको रफाल देते थे? नहीं। क्या उनको फाइटर जेट देते थे? नहीं। बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि जब युद्ध होता था तो ये लोग चीन के सैनिकों का मदद करते थे, देश की सरकार में कांग्रेस के बैठे लोग। आज जब भारत की सेना मजबूत हो रही है तब इनके पेट में दर्द हो रहा है। अग्निवीर 4 साल पूरा होने दीजिए, इस देश के युवाओं को एक ऐसा मौका मिला है जो पहले कभी नहीं हुआ, और आगे इसमें और भी लोग शामिल होंगे।